शिमला भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है जो भारतीय व विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। शिमला का इतिहास ब्रिटिश शासनकाल से जुड़ा है। सन 1864 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। आज़ादी के बाद शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी बना। समय के साथ साथ शिमला विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहा और आज एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विख्यात है। चलिए अब बात करते हैं शिमला के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के बारे में। क्राइस्टचर्च उत्तर भारत का दूसरा सबसे पुराना चर्च है। यह शिमला की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। रिज शिमला की सभी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। रिज अभी भी अपनी इमारतों और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। शिमला का सबसे खूबसूरत बाजार मॉल रोड है। यहाँ से आप शॉपिंग के साथ साथ शहर के चारों ओर का खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं। लक्कड़ बाजार कई दुकानों का घर है। लकड़ी से बना सामान, ऊनी कपड़ा, पश्मीना शॉल, हिमाचली हस्तशिल्प और कृत्रिम आभूषणों से भरा रहता है। कालीबाड़ी मंदिर। शिमला का कालीबाड़ी मंदिर देवी काली को समर्पित है। श्यामला के नाम से जाने जाने वाली माता के नाम पर ही शिमला शहर का नाम रखा गया है। शिमला रेलवे संग्रहालय एक महान संत बाबा भलकु जी को समर्पित है। यह शिमला की विश्व धरोहर टॉय ट्रेन के बारे में जानने के लिए एक अच्छी जगह है। आर्मी म्यूजियम। यह संग्रहालय भारतीय सेना की विभिन्न युद्धकला, वस्त्र, हथियार और सैन्य इतिहास का प्रदर्शन करता है। वॉइसरॉय लॉर्ड डफरिन के लिए बनाई गई इस इमारत में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जिनमें से सन 1947 भारत से पाकिस्तान बनाने का कदम भी शामिल था। आज यह इमारत एडवांस स्टडी के नाम से जानी जाती है। स्टेट म्यूजियम। यह संग्रहालय शिमला के ऐतिहासिक विभाग, सांस्कृतिक विभाग और कला सांस्कृतिक विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ पर राजस्थानी शैली के कला संग्रह, लोक संगीत और नृत्य की विभिन्न प्रस्तुतियां देखने को मिलती है। समुद्र तल से 2455 मीटर पर स्थित जाखू शिमला शहर की सबसे ऊंची चोटी है। भगवान हनुमान को समर्पित यह मंदिर पर्यटकों के साथ साथ तीर्थयात्रियों के लिए भी मुख्य आकर्षण का केंद्र है। संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित शिमला शहर का एक दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर का निर्माण सन 1966 में हुआ था और यह एक पर्वतीय स्थल पर स्थित है। मशोबरा। शिमला से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित मशोबरा आरामदायक और प्राकृतिक वातावरण के लिए पर्याप्त विकल्प है। क्रैकनैनो पार्क। शिमला के पास एक खूबसूरत नीलगिरी वन्य जीवन संरक्षण क्षेत्र है। यह शहर से दूर पिकनिक का एक अच्छा विकल्प है। कुफरी शिमला से 15 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर स्थित है। कुफरी बर्फ और बर्फ से खेले जाने वाले खेलों के लिए प्रसिद्ध है। तारा देवी मंदिर। यह भव्य मंदिर शिमला के पास स्थित है और माता तारा देवी को समर्पित है। यहाँ से आप शिमला शहर की खूबसूरती और सुंदर पहाड़ियों का आनंद ले सकते हैं। नालधेरा अपनी हरी भरी हरियाली, गोल्फ कोर्स और चीड़ और देवदार से ढके पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। चायल शिमला से 2 घंटे की दूरी पर स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन है जो चायल पैलेस, काली का टिब्बा, क्रिकेट स्टेडियम
के लिए विख्यात है। चलिए बात करते हैं हिमाचल के कुछ प्रसिद्ध पकवानों के बारे में। हिमाचली सिड्डू। सिड्डू हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध पारंपरिक पकवानों में से एक है। यह एक प्रकार का बेल्जियन ब्रेड होता है जो भाप की मदद से बनाया जाता है। हिमाचल में प्रसिद्ध बाबरू काले मांस से भरी पूरी या कचौड़ी है। यह अधिकतर पर्व और त्योहारों पर बनाई जाती है। माश दाल हिमाचल प्रदेश की एक प्रसिद्ध पल्स है। यह हिमाचली खाने में विशेष महत्व रखती है। थुपका। तिब्बत और नेपाल से लाया गया सूप हिमाचल की नई श्रेणी की डिश में शामिल किया जाता है। छा गोश्त हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध देसी मांस व्यंजन में से एक है। यह भेड़ और बकरी के मांस को उबालकर बनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में लैम मीट या मटन खासतौर पर पारंपरिक प्रकार से खाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं शिमला कैसे पहुंचा जाए। शिमला का सबसे निकटतम हवाई अड्डा जुबड़हट्टी एयरपोर्ट है, जहां के लिए आप दिल्ली से फ्लाइट ले सकते हैं। शिमला बस, कार अथवा टैक्सी से पहुंचा जा सकता है। दिल्ली तथा चंडीगढ़ से समय समय पर ISBT शिमला के लिए बसेस चलती रहती है। शिमला रेलवे स्टेशन कालका शिमला टॉय ट्रेन द्वारा भी पहुंचा जा सकता है, जो कि आपकी यात्रा को और ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और बने रहे। धन्यवाद।